हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड केम चो, वेलकम टू एसएसपी। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो दिस इज अनदर अमेजिंग सेशन फॉर द सुपर ट्रिक फॉर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको लगेगा अरे गजब। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट नीचे जो सुंदर सा बटन है उसे दबा दीजिए एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट सुपर ट्रिक एज वेल एज द लेटेस्ट क्लास 12 वीडियो लेक्चर्स बाय एसएसपी। नीट के बच्चा पार्टी हो, जेई के बच्चा पार्टी हो, तो ट्रस्ट मी दिस ट्रिक विल हेल्प यू अ लॉट। सो द क्वेश्चन इज टाइम टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है कि टाइम जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, वेर ए एंड बी आर द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। इट कैन बी एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है, वो एक कॉन्स्टेंट है, बट यू नो दैट एक्स इज वेरिएबल, राइट? टी इज टाइम, एक्स इज पोजिशन। हमें फाइंड आउट करना है कि आप इससे एक्सीलरेशन फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। सो वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो क्या करें? बड़ा सा मैथड है, बट एज यू नो दैट इन दिस क्लास यू विल गेट अ शॉर्ट ट्रिक एज वेल एज दैट बड़ा सा मैथड। तो चलिए पहले मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहां पे आपको टाइम से सीधा एक्सीलरेशन में जाना है विद इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, सो सिंपली यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन। एंड वी नो दैट डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी। फर्स्ट टाइम जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चा लोग, तो यहां पे एक्स का स्क्वायर है, दैट मीन्स पावर फॉरवर्ड, एंड वी से दैट पावर माइनस वन। दिस इज अ काइंड ऑफ सिंपल डिफरेंशिएशन, वी ऑल नो अबाउट दिस, है ना? पावर को आगे लेके आते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता इतनी खास है नहीं बच्चा लोग। प्लस बी एक्स अगर रह जाऊंगा तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा बी। दिस इज द सिंपल डिफरेंशिएशन, और ये आपने पहली बार करा। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये हो जाएगा ओनली 2a, बिकॉज b का तो जीरो होगा क्योंकि b के साथ कोई x नहीं है, है ना? लास्ट में क्या करना है आपको, v क्यूब चिपका देना है और आगे माइनस लगा देना है। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। 101% दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना? सुपर ट्रिक बच्चा लोग। क्या करना है पता चला? दो बार डिफरेंशिएशन करो, पीछे वी क्यूब आगे माइनस, यानी माइनस वी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अगेन द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। क्या करेंगे भाई सब? कुछ नहीं, पहली बार डिफरेंशिएशन करा तो 3ax स्क्वायर, दोबारा करा बच्चों तो 2bx प्लस c, एक बार वापस कर दीजिए तो 6ax प्लस 2b, आगे लगा दो माइनस, पीछे लगा दो वी क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। अरे गजब, खत्म। अब मैं आपको इसका जनरलाइज कराने के लिए, इसको फील कराने के लिए इसका जो रियल मेथड है वो भी आपको सिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से फील आ जाए। देखिए, टाइम दिया हुआ था टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और बच्चा हमें ना एक्सीलरेशन फाइंड करना है विच इज डी वी बाई डी टी। यानी अगर मेरे पास वेलोसिटी हो जाए जो कि डी एक्स बाई डी टी होता है, तो मैं वेलोसिटी से एक्सीलरेशन तक पहुंच सकता हूं, है ना? मेरे पास टी है, डी एक्स बाई डी टी आई कैन फाइंड, बट हियर इन दिस टर्म वी कांट फाइंड डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली बिकॉज टी इज इन द फंक्शन ऑफ एक्स दिया है। तो वट आई कैन डू, मैं यहां लिख सकता हूं डी टी बाई डी एक्स। दैट मीन्स हमने टाइम का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बच्चा ये आंसर हो जाएगा 2ax प्लस बी। अच्छा, मैं इसको इसका रेसिप्रोकल भी तो कर सकता हूँ ना, इसको ऐसे उल्टा लिख सकते हैं भाई साहब, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो फिर ये डिवाइडेड बाई वन था, ओ हो हो, तो ये हो जाएगा बच्चा 1/2ax प्लस बी। दैट मीन्स 2ax प्लस बी की पावर में माइनस वन, और ये डी एक्स बाई डी टी इज वॉट, दैट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी आ गई 2ax प्लस बी की पावर माइनस वन। अब मुझे dv by dt चाहिए एक्सीलरेशन के लिए, बट ये तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x है, t के रिस्पेक्ट में तो कर ही नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। बच्चा यहाँ चैन मेथड लगेगा तो बहुत ध्यान से समझना, इसको पूरा आप x कंसिडर करो। अगर ये पूरा अंडरलाइन x है और पावर माइनस वन है, तो डिफरेंशिएशन रूल कहता है पावर फॉरवर्ड फिर वो x, यानी कि जो आपका 2ax प्लस बी है, पावर में उसमें से एक घटाना पड़ता है, जैसे मैंने यहां पर आपको करके बताया था, राइट? इनटू इस टर्म्स का वापस डिफरेंशिएशन करना है बिकॉज दिस इज अ चैन मेथड, राइट? तो जब आप वापस डिफरेंशिएशन करोगे तो 2a बचेगा, सिर्फ इनटू कर दो 2a। आप ध्यान से देखना, दिस माइनस 2a एंड हियर आई कैन राइट 2ax प्लस बी की पावर माइनस 2, and this 2ax plus b की पावर माइनस 2 is what? 2ax plus b की पावर माइनस 1 is v,
but there is minus 2, that's why we will write minus 2av square. Oh, gajab. तो dv by dx आ गया, but अभी मेरा answer नहीं मिला है, क्योंकि मेरा final answer है a is equal to dv by dt, but यहाँ तो dv by dx है. तो इसमें हम चप्पल मेथड लगाएंगे. चप्पल मेथड ऐसे मस्ती के लिए बोलता हूँ. चप्पल मेथड इन द सेंस, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो dx से और ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो dx से. सी दिस, एक चप्पल बन गया dx by dt और ये दूसरा वाला बन गया dv by dx. तो सोच के देख बच्चा लोग, dx by dt दैट इज योर वेलोसिटी एंड दिस dv by dx इज ऑलरेडी वी हैव दैट इज माइनस 2av स्क्वायर. अरे गजब, माइनस 2av का क्यूब. ओ हो, ये देखो फाइनल आंसर. अब आप सोच लो है कि नहीं है सुपर ट्रिक. इतना बड़ा आपने करा और इसमें अगर एक भी गलती हुई ना, आपका सवाल गया. तो कंपटीशन के अंदर हमें कुछ ऐसा ही करना है. एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग. और ऐसे ही सुपर ट्रिक के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स, या आप देखेंगे कि बहुत सारे कंपटीशन में सवाल आया हुआ है. अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यू माइट नो अबाउट दिस कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं. तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए पास में लेकर के आता रहूंगा. ये सीधा याद रखना है, टू टाइम्स डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई माइनस वी क्यूब, दैट्स इट. एंड सी, दिस इज द जनरल मेथड. सो अब मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने दूसरा भी ट्रिक लेकर के आने वाला हूँ और ऐसे ही आते रहेंगे. प्लीज बच्चा लोग, अगर ये आपको बहुत शानदार लग रहा है तो इसे जरूर शेयर करना. एंड साथ ही साथ जो भी बच्चे क्लास 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर 2021, तो उनके लिए हमारी एक वेबसाइट पर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है, जिसमें शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स हैं टॉपिक वाइज, प्लस उसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी. सब कुछ, यानी घर बैठ करके आपको एक ट्यूशन का ही फील आएगा विद एसएसपी वीडियो लेक्चर. एंड फॉर ऑल ऑफ दिस बच्चा पार्टी, आपको करना बस ये है, डिस्क्रिप्शन में जा करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए. वहाँ पर आपको एक नंबर भी दिया जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो. छोटा सा अमाउंट पे करते ही आपको सारे स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर्स के साथ मिल जाएगा. चिंता करने की जरूरत नहीं है. YouTube पे भी इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर बच्चा लोग, आप लोगों के लिए क्लास 12th का वीडियो लेक्चर्स नए सिरे से शूट किया जा रहा है, फिजिक्स का भी और साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी. उसका जो टाइमिंग है शाम को 7 से 8 बजे के बीच में रहता है, जो बच्चे रेगुलर है उन्हें पता है. और केमिस्ट्री का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में रहता है 11 to 12. सो आप वहाँ से भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं दिसंबर के एंड तक. ट्रस्ट मी, दिसंबर 2020 के एंड तक सारे के सारे नए वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे. सो उनका भी आनंद आप लेते रहना. 80% वीडियो लेक्चर्स विल बी फ्री एंड 20% जिसमें मैंने बोला आपको सारे के सारे नोट्स पीडीएफ अवेलेबल होंगे, वो सब के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाकर के उसे परचेज करना पड़ेगा. सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास एंड प्लीज इसे शेयर जरूर करना, बहुत सारे बच्चों के लिए ये हेल्पफुल होगा. सो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम. टेक केयर.